इतना ही नहीं, लखन लाल के प्राण तो बचाए और जब भगवान राम नाम था तो उसी पर थे भगवान काउंटर है कि कितने काउंटर घपट करोगे दूसरे से बता दें ठीक है इधर तो पहले पूरा कन्वर्ट कर ले हित है।
भैया 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 थोड़ा सा एक मिनट साइड में आ जाइए। अच्छा देखिए उसी लाइन में बीच में आओ बीच हाँ अंदर है बीचों बीच ये है सामना भैया आप अच्छे से बीच वाला है भैया जी मेरे नमस्ते नमस्ते बहुत बढ़िया आगे स्टॉल लगा अपना श्री भारती का मारे मारे तो घूम रहे और क्या
ये तो कुछ है तो और बाकी पता नहीं करुणा जी आ गए डायरी आपकी डायरी घूम रहा है कोई यहाँ घूम रहा है कोई वहाँ घूम रहा है। आपकी हमारे सर बताई ना गई थी अरे हमारे ही सर तरफ ले रहे थे हमको जब दे तो अपने नंबर हमें दे दो तो यही नंबर है जो अभी आया था तो हम इसी नंबर यही नंबर है छत्तीस है तो हम कहीं भी होंगे तो हम तुम्हें बुला रहे ठीक है तुम्हारा क्या होगा तुम जाओगे वही पानी नहीं तो ये कि चलता है ना देखे क्या देखा सामने स्टॉल में यही देख हाँ आमिर पर नहीं ये देख देखे कितने कैमरे वाले हैं सब तो आने चाहिए भैया चालू हो जाएंगे तो कहेंगे ये लड़का खो गया ऐसे दिखा देखो यहीं खड़े खड़े ये सब दिखा दे अभी लगा दिए जाएंगे अंदर तब को अरे अंदर एक बार भी देखिए एक एक कमरा पकड़ा दिया जाएगा तो खेलते रहो ऐसे ही रहते हैं।
कल्याण अब हमारे मध्य है। बाधा के वरिष्ठ संगीतकार बड़े भाई सभाजी जी प्रथम सांस्कृतिक फंड का अपना कार्य प्रस्तुत कर रहे हैं। आज के बुजुर्ग अतिथि बहुत ही कड़ी प्रतिभा है जिन्होंने बुजुर्ग अतिथि को संगीत के लिए बहुत किया है और आपका तो पहले दिन हार भरा है सारे। इस हाल में उपस्थित मेरे ग्राम प्रधान सचिव लेखपाल मीडिया के बंधु और सभी सहभागी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। देखिए कोई काम जब किया जाता है हमारे यहाँ दिक्कत क्या है, दे हैं वो कर देते हैं लेकिन ये नहीं समझते कि ये काम कर क्यों रहे हैं। और मैं हर व्यक्ति के लिए जवाब दे हूं, इस जनपद का हर व्यक्ति मुझसे जवाब मांगता है और ये मेरी ड्यूटी है। इसको विजिबल हुए तैयारी स्तर पे और आज हम जनता के सामने विजिबल होकर के आए हैं और इस उत्सव के माध्यम से मुझे हमेशा एक ही चीज साधती है खटकती है कि ये जनपद के लोग मुझसे पूछेंगे कि आपने ये क्या वगैरह खड़ा कर दिया, आपने ये क्या कर डाला, तो मैं क्या जवाब दूंगा। जो मेरा प्रथम दायित्व तो है, आपने ये सब क्या कर डाला, ये सब दुकानें से बैठा ली, हम लोगों को हाल में बुला लिया, इनोवेटर को क्या हाल में बंद कर दिया, बैठा लिया और उसके ऊपर सात कमरों में करके अभी निकालने का प्रयास हो रहा है कि आप सबने क्यों किया। तो मैं चाहे मैं हूं चाहे आप हो चाहे कोई हो सबके साथ ही है। तो स्टार्टअप और इनोवेशन की ये समिट हर समस्या का एक सहज सरल और कम लागत वाला समाधान पाने का प्रयास है। तो पहले मैंने क्यों किया, पहला इसका एक मेरा उद्देश्य है, आप मिलेगा यहां पे, ये इसका पहला उद्देश्य है। एक लड़का है राहुल सिंह, जाइएगा सामने देखिएगा, उसी नगर का है, हाईस्कूल में है, क्या फंटास्टिक है। मैं तो कहूंगा कि मेरे लिए वो आइंस्टीन है, कुर्सी पे बैठा दिया पंखा चलने लगा और जब कुर्सी से उठा तो पंखा बंद, बिजली 3,000 रुपया पर मंथ बिल कम कर दिया। ऐसे कितने राहुल सिंह आपके जनपद में आ रहे हैं, बिजली कम करने की जो समस्या है उसका समाधान लेके आया है, जाओ देखो बिजली कम करो, बिजली बिल कम करो। तो पहला इसका उद्देश्य है कि समस्याओं जो हमारे जीवन में समस्याएं हैं उसका सहज सरल और कम लागत वाला समाधान पाना। दूसरा किसको करने का, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, फिर से बात करता हूं, थोड़ा मजा नहीं आया। कर्म मन बुद्धि और आग्रह करना चाहता हूं आप सभी बाधा के निवासियों में, आपके तन मन बुद्धि और आत्मा में एक नवाचारी सोच, हट के काम करने की सोच पैदा करना चाहता हूं, जिससे आपके अंदर वैज्ञानिक है, विज्ञान है, वैज्ञानिकता, तार्किकता और रचनात्मकता से आप ऊंचाई पे जाएं। तीसरा क्या उद्देश्य है इसका, मुझे मालूम है बहुत सारे लोग जनपद के प्रत्येक व्यक्ति के में मुझे उत्साह उमंग और खुशहाली की लहर दिखी। मैं 5 महीने से मुझे 31 तारीख को आपके जनपद में 5 महीने हो गया हो जाएगा, जब मैंने नवाचार और कुछ चीजें मैंने नई नई करना, बेसिक शिक्षा में नई चीजें शुरू करी, अरे मैंने जेल में नई चीजें शुरू की, अभी मैं बताता हूं। पहले मैं अपना ये बता दूं कि मुझे उत्साह उमंग और खुशी की लहर दिखी तो मैंने सोचा कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए मैंने ये कर डाला। मैंने राहुल सिंह को बुला लिया, एक राहुल में 100 राहुल सिंह है, आपकी बिजली का बिल कम कर देंगे। अरे हाँ, अभी बेसिक शिक्षा के स्टार्ट कर गया तो उसमें पानी में एक औरत डूब गए है, क्या औरत, तो कहने लगे ये औरत प्यार से मानती है, हम लोग बता रहे हैं, हमने कहा औरत प्यार से ही मानती है, गलत नहीं कोई लगा है। तो वो बता रहा था फ्रेंड साहब इस औरत से जो लड़की है इससे बात प्यार से कहोगे तो नीचे आ जाएगी ऊपर चली जाएगी, तो औरत तो हमेशा प्यारे से मारती है,
क्यों ये तो कड़वा सच है ना। तो हमने फिर एक बार गया डीएम वाले रोड में बैठ के बोल दिया तो बात ही नहीं कुछ हुआ उसमें, कुछ नहीं मानी वो, सही बात है। और जब हमने प्यार से कहा नीचे आ जाओ तो नीचे राहुल सिंह ये 50 इनोवेटर आए हैं, ये उत्साह पैदा करता है, ये ऊर्जा देता है, ये उमंग देता है। मैं आप सभी लोगों को ये उमंग ऊर्जा उत्साह को बढ़ाने के लिए मेरा ये स्टार्टअप इनोवेशन है। और इसके पीछे अपने आप को वही के वही रहे। हमारे देश में, प्रदेश में, जनपद में इतनी चीजें हैं कि हम लोगों ने कभी हटके नहीं सोचा और जिसके वजह से वही के वही हैं। मैं आप लोगों के अंदर, मैं आपको अच्छा सोचने के लिए, हटके सोचने के लिए प्रेरित। और जिस दिन आप ऐसा करने लगेंगे, आप जो भी चाहेंगे, आपके मन में जो भी सपना आएगा उसे पाने से कोई रोक नहीं सकता। ये जो स्टार्टअप है, इनोवेशन है, ये क्या है? ये ज्ञान का एक पुंज होता है। एक स्टार्टअप मतलब बहुत सारी बुद्धियों का गुच्छा। इनोवेशन क्या है? बुद्धि का गुच्छा है, पुंज। ये ऊपर वाले सुन रहे हैं, मुझे नहीं सुन रहे हैं, गप्पा तो नहीं मार रहे हैं, हम गप्पा मत मारने की बात संभाल लेना। इनोवेशन स्टार्टअप एक ज्ञान का पुंज है। और यहां 100 स्टार्टअप इनोवेशन आए होते हैं तो ये पूरा कुंभ यहां ज्ञान का कुंभ है, ज्ञान का कुंभ है, छोटे छोटे ज्ञान का कुंभ है। तो करना क्या है? इस ज्ञान के कुंभ में डुबकी लगाओ, ज्ञान पाओ और सफल हो जाओ। और माना ठीक है नहीं है, ज्ञान के इस कुंभ में क्या करना है? डुबकी लगाना है, डुबकी लगाना है। और उसी डूब करके पानी नहीं पीना है, क्या पीना है? ज्ञान। क्या होगा अगर आपने डुबकी लगाई और ज्ञान को पी गए तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। ये मेरे कुछ उद्देश्य हैं जिसकी विद्यालय में स्टार्टअप स्टार्टअप होता है। जनपद जैसे इसको पिछड़ा इलाका कहते हैं। अरे जनपद बांदा में जब मैं नहीं आया तो ये सूखे के लिए मैं जानता था इसे, यहाँ तो बदमाश डाकू के लिए मैं जानता था। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका जनपद बांदा पिछले 15 दिन से एक नई सोच के लिए जाने जाने लगा था और स्टार्टअप के लिए जाने लगा। जितनी बुराई हो सब खत्म हो जाएगी। सोच लोग कहते हैं कि बांदा में ये कैसे हो रहा है, कहीं नहीं होगा भाई। ये तो बात अभी तक मैंने जितनी बात की है ये मैंने क्यों किया यही के बहुत लोगों के पल्ले नहीं पड़ रहा है। ये डीएम क्या करता रहता है उलट पुलट, क्या ये पता नहीं जब से आज कुछ उलट पुलट करते रहते। वार्षिक उत्सव करा दिया विद्यालय ने, क्या करा दिया? यमल शैक्षिक भ्रमण शुरू करा दिया, पता नहीं क्या क्या करते रहते। अरे मैं बिना पैसे का व्यापार करता हूँ, मैं वो शख्स हूँ बिना पैसे का व्यापार करता हूँ, खूब लाभ कमाता हूँ। जेल में गया 3 महीना पहले तो गया तो सबके चेहरे पे एक उजाल आए हो गया। वहां मैंने क्या था को फंसा दिया, हम लोग कराओ क्या कराओ। और यहाँ के चार टीचर उनको, उसको तो कोई जानता नहीं था, जो ट्रेन में आ रहे थे तो सब बांधे के लोग थे कि यहाँ का डीएम कैसे है, वो करते क्या। तो मैं उनका फीडबैक आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं बहुत फीडबैक लेता हूँ, मेरी बुराई कौन करता है, मेरी अच्छाई कौन करता है, मेरे किस पहल पे क्या रिएक्शन आता है। तो उन्होंने कहा डीएम तो मेहनती है, काम अच्छा कर रहे हैं और करना भी चाहते हैं, लेकिन लोग ट्रांसफर करा देंगे, क्या करा देंगे। ये फीडबैक है ट्रेन का। और हमारे लिए क्या माने रखता भाई? अरे मैं एक पल रहूंगा, मैं अपने उस पल का भी उपयोग करूंगा आपकी कुछ। अरे 5 साल रहा कुछ नहीं किया, दिन भर पूजा करता रहा, मिला ही नहीं किसी से, क्या फायदा। तो आदमी को अपने एक एक पल के बारे में सोचना चाहिए और प्रोडक्टिव होना चाहिए। यहां देखिए मेरा पास चाहिए नहीं होना चाहिए? अच्छा सब लोग बताइए हाथ उठा के कितने लोग चाहते हैं होना चाहिए ऊपर वाले। अच्छा सब लोग चाहते हैं, मजा आ रहा है, मैं समझ गया। अरे फूड कोर्ट भी बनवा रहा है, फूड कोर्ट
اسی لیے بتایا کہ آپ تھوڑا بہت ناراض ہوں گے تو ادھر سے معاملہ بن جائے گا. ادھر جائیں گے مٹھائی کھائیں گے تو سوچیں گے ادھر تو تھوڑا گڑبڑ تھا, ادھر میٹھے پہ تو اچھے اچھے پگھل جاتے ہیں. بھائی دیکھیے اس پورے آیوجن کے پاس چھ مکھیا کر سکتے ہیں. کیا ہے یہاں 100 اسٹال لگے ہیں, 100 اسٹال لگے ہیں. اسی میں وہ عورت پانی میں پیار سے آگے نیچے جا رہی تھی جو ہمیں دکھایا گیا تھا, اور 100 انوویٹر اس ہال میں لگے ہوئے ہیں راہل جیسے, اور 28 سیشن ہے وچار منتھن کے, 28 سیشن ہے وچار منتھن کے, جس میں لوگ آپ کے سمادھان کے لیے چرچا کریں گے منتھن کریں گے. 4 DM صاحب آ رہے ہیں یہاں, 3 SP صاحب آ رہے ہیں, ڈائریکٹر مائننگ آ رہے ہیں, IG صاحب, DIG صاحب, کمشنر صاحب, وشیش سچیو. میں نے اس روپے کو یہ بارا برا نہیں ہے, باہر میری پوسٹنگ نہیں تھی, میں بھی پیپر اوپر میں پڑھتا تھا تو مجھے وہی میرے دماغ میں امپریشن آتا, وہ فری والا نہیں. اب جب آپ کے بادا میں اتنا اچھا کام ہو رہا ہے, آپ سبھی لوگ خوش ہیں, کیا چاہتے ہیں؟ اس کے پیچھے بھی میری ایک لمبی سوچ, ایک ویژن اور ایک مشن ہے. میں اس لیے اسے پھیلانا چاہتا ہوں کہ بادا کی جو پرانی چیزیں ہیں, کیا ڈاکو, پچھڑا پن, فلانا فلانا, بادا کے نام کے سامنے انوویشن اور اسٹارٹ اپ جڑے, یہ میری سوچ ہے. اسٹارٹ اپ انوویشن بڑے بڑے شہروں کا پھول مانا جاتا ہے کہ یہ تو بنگلور میں ہو سکتا, حیدرآباد میں ہو سکتا, ایم سی آر میں ہو سکتا, یہ نہیں بادا جیسے. اسے ثابت یہ ہوا کہ بادا کے لوگوں میں بہت بڑی طاقت ہے. اس کا یہ آڈیٹوریم میں کہاں بیٹھے ہو, بادا والے کچھ بھی اچھا کر سکتے ہیں. پیچھے دیکھو, پیچھے بیٹھے, یہ سنی دیوتا ہے, جو راجا سنی دیوتا ہے ہوتا ہے. میں لکھنؤ رہتا ہوں تو میرے گھر کے آگے ڈیوائیڈر روڈ ہے, اس میں ایک پیپل کا پیڑ ہے, تو اس میں شنیوار کو خوب تیز روڈ لے کر کے بڑی بھیڑ ہوتی ہے. تو ہم نے پوچھا کہ صاحب یہ شنیوار کو شنی دیوتا بٹھاتے ہیں, تو ادھر آئیے شنی دیوتا, یہ اس اسٹارٹ اپ اور کمبھ کے شنی دیوتا ہیں. ان کو میں نے تیز روڈ جیسے تیز روڈ چڑھا کے بنایا ہے, ان کا بہت بڑا یوگدان ہے. اور شنی دیوتا جاؤ, چلو دوسرے جو انٹیلیجنٹ ہوتا ہے اس کو ٹائی پہننے کی ضرورت ہے. ارے دیکھو میں انٹیلیجنٹ نہیں ہوں اس لیے ٹائی پہن کے انٹیلیجنٹ بن رہا ہوں. کیا جو انٹیلیجنٹ ہے اس کو ٹائی پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ چلو, اور ہمارے ان کو میں شروع شروع میں جب بلایا تو ان سے بات کیا تو مجھے ان کی بات بہت پسند نہیں آئی, مجھے بڑے اٹپٹے سے لگے تھے جب پہلی بار گھر پہ بلایا تھا شروعاتی دور میں, لیکن جب میں نے یہاں آیا تو آئی فائنڈ اٹ ویری جنرس مین, ویری فینٹاسٹک فیلو. آج یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے تعریف کی وجہ سے ہو رہا ہے. میں کس کا کس کا نام ہوں, یہ اتنی لمبی لسٹ ہے شام ہو جائے گی, اس لیے میں ہمارے ادھیکاریوں, میں جس ادھیکاریوں کو اس جنپت میں سمجھتا تھا کہ میں اس جنپت کو کیسے چلا پاؤں گا, میں اس کو کیسے آگے بڑھا پاؤں گا, اس جنپت کے ادھیکاریوں نے مجھے 5 مہینے میں اپنے آپ کے لوگوں نے بدل لیا ہے. جو 5 مہینہ پہلے سے میرا ہوا ادھیکاری آج کے ڈیٹ میں بالکل یو ٹرن ہے. کیا اور بہت تن پر پولیس سرکشا دوست ایڈیشنل صاحب, پولیس ادھیشک ہمارے نئے صاحب, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ویکتی جب سے آیا پوری ٹیم کے ساتھ سارا کرم ہٹوا دیا. اب آپ کی گاڑی بڑے آسانی سے نکلتی نہیں نکلتی, اب آپ میں جھوٹ بول رہا ہوں, جھوٹ بول رہا ہوں, بتائیے یہ میری کریڈٹ نہیں, مسٹر صاحب کی کریڈٹ ہے, تالی بجائیے ان کے لیے.
और बंदा मेरी तरह रोज कुछ ना कुछ नया सोचता है, कुछ करने की कोशिश करता हूँ। उनके बेल में एक फायर है कि बांदा के लिए कुछ किया जाए। गुड मॉर्निंग पुलिस। कौन पुलिस? आपका दिन ठीक हो। आप लोग पुलिस को बुरा समझते हो, तो पुलिस कह रही गुड मॉर्निंग तो अच्छा नहीं समझोगे, समझना पड़ेगा। और हमारे जो चीफ गेस्ट महोदय है, आप लोग इनको नहीं जानते हैं, ये बुजुर्ग है और थोड़ा सा साइंटिस्ट टाइप के लोग ऐसे रहते हैं, ढीला ढाला। क्या आप इनकी कैफियत समझ नहीं सकते? ये आईआईटी जो हम लोगों का ड्रीम हुआ करता था, इवन माई ड्रीम, हम भी आईआईटी से नहीं पढ़ पाए। हम पन्ना जैसे इंजीनियरिंग किए, मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का आदमी हूँ। उस ड्रीम को आपने वहां पढ़ा और लोगों को इंजीनियर बनाया। और यही नहीं, आपके पास बहुत सारी उपलब्धियां हैं। आप आईआईटी के एलुमनी एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे और आप एकेटीयू के वाइस चांसलर रहे। और रात हमें बता रहे थे आपका बांदा वाला कार्य तो हम ही ने खोला था, तो हमने कहा ताली बजा दीजिए भाई। और मैं आपको एक खुलासा और कर दूं, ये मेरे ही गुरु नहीं, मेरे बेटे के भी गुरु हैं। क्या ये पिता पुत्र दोनों के गुरु हैं। मेरा बेटा इंजीनियरिंग का नाम, उसको भी ये गाइड करते हैं, मुझे तो गाइड करते ही हैं। बहुत शुक्रगुजार हूं। बांदा का सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ी अच्छी चीज है कि यहाँ तीन इंस्टीट्यूशन, तीन पिलर इस बांदा को बहुत ऊंचाई में ले जा सकते हैं। ये मेडिकल कॉलेज, ये इंजीनियरिंग कॉलेज और हमारा यूनिवर्सिटी। इन तीनों को अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से यूज करें तो आपका जनपद बुंदेलखंड की नाक, सबसे ऊंचा वाला जनपद, सबसे अच्छा जनपद बन सकता है। और यही मेरा प्रयास है। क्या मैं इसके बाद मानने वाला नहीं हूं। अब मैंने अगला अपना बना दिया है प्रोग्राम, तो ये पूरी रूपरेखा है और ये सोच है। ये हाथ तो खचाखच भर गया, पहले तो खरखानी था, ठीक है लगा आप लोग को, अच्छा नहीं लगा इसलिए उधर से इधर आ गए आप लोग। क्यों नहीं, आदमी का एक एक पल आगे रखता है कैसे, यही मेरी सोच है। इसी सोच से मैं जीता हूं और मैं बांदा में जब तक रहूंगा, मैं ना सोऊंगा वो किसी को सोने। अच्छा जरा हाथ उठा बताइए, कितने लोग सोना चाहते हैं? हाथ उठा और अच्छा काम करना है और इस ज्ञान के कुंभ में डुबकी लगाना है, ज्ञान को पाना है और अपने को सफल बनाना है। ठीक है मामला, धन्यवाद भैया। कहाँ है? ये सुनाता है, बिगड़ी है, इसके बाद इसका कुछ रूप और परिवर्तित हो पाएगा। जिसमें कौन चल रहा है, कृपा शंकर सिंह को पूर्व कुलपति महोदय को आमंत्रित करता हूँ। इस लोग न जाने किस दिल्ली में जिंदगी की संग हो जाए। धन्यवाद, विशेषकर आपके आखिरी दो शब्दों के लिए। हमारे ऊर्जावान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री हीरा रानी एवं उनके और साथीगण मंचा सिंह, जितने भी वरिष्ठ अधिकारीगण हैं और सभागार में उपस्थित अधिकारीगण और जनप्रतिनिधि और स्टूडेंट्स और हमारे वे मीडिया कर्मी लोग, बहुत सहज परिचय कराया। बहुत ओझपूर्ण और बिल्कुल केंद्रित विचार वालों के होते हुए और साथ में इतने विनोदपूर्ण रूप से अपनी बातों को कहना, यह वाकई बहुत ही अच्छा लगा सुनकर के। मैं आपको निराश नहीं करना चाहता, लेकिन ये चीज पहले से बता दूं कि शायद उतना अच्छा मेरी बात सुनने में आपको न लगे, क्योंकि आपने इतना बढ़िया सुना है भाषण और इतना वो किया है कि बाहर से लोग, हमने देखा कि वो अंदर में झांक झांक करके सुनने की कोशिश कर रहे हैं।
शायद वो ये सुनने से नहीं मन भर रहा है, थोड़ा देखना भी चाहते थे तो शायद ऐसा न लगे। अब हमने IIT कानपुर से एमटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कानपुर यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट से PhD किया है ऑपरेशंस रिसर्च और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। उसके बाद मैं IIT कानपुर में 1978 से अध्यापक होने का कार्य शुरू किया और बीच में छुट्टियां साहब थे टीवी राजेश्वर साहब, अभी कहिए कि मैं कुलपति भी बन गया। और जब मैं बना कुलपति तो इसका नाम उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी था, बीच में इसका नाम गौतम, इस समय अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी नाम है। और मैं इस नाम से बहुत हमें बड़ा अच्छा लगता है, कारण यह है कि जब मैं वाइस चांसलर बना तो सबसे पहले जो कन्वोकेशन उसका एक कारण अभी तक मैं उनको पहले से जानता था, चाहे उसकी वजह से वो उन्होंने तुरंत स्वीकार किया और हमारे मुख्य अतिथि थे। बाधा आना मेरा पहली बार हुआ है, कल मैं आया हूँ यहाँ पर, साथ में सुन लीजिए। मैं बाधा का नाम सुना था लेकिन उसकी भूमिका या उसका परिपेक्ष कुछ और था, और वो शायद तुलसीदास की जीवनी के संबंध में लोग माधा का जिक्र किया करते थे कि माधापुर के जिले के राजापुर गांव में और ऐसे ऐसे जन्म हुआ। और बाद में आप जानते हैं कि उन्होंने रामचरितमानस की रचना और गुलाम का से छूट गया। मैं बनारस का रहने वाला हूँ तो कहानी शुरू होती है माधा से और समाप्त होती है बनारस में, तो चक्र जो है वो पूरा हो जाता है। और हमें गर्व है कि मैं इस कहानी के प्रारंभिक बिंदु पर आज मैं हूँ। कल मैं जब आया तो हमने लोगों से ऐसे पूछा कि वो बताएंगे, हर तरह के लोग वहाँ शादी थी जहाँ पर मैं ठहरा हुआ था, हर एक आदमी दीवान सा था। तो हमको वो लगा कि मतलब देखिए कि क्या बात है, प्रसन्नता हुई और मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। दूसरी बार बाधा का जो नाम आया जिसका जिक्र किया हमारे उसमें ये हुआ कि 2011 में शायद यही प्रदेश था पूरे देश के जहां पर 4 इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना होनी थी। और स्थापना होने के लिए जैसा आप जानते हैं कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE की परमिशन चाहिए, उसके लिए विजिट चाहिए, विजिट में आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और बहुत सारे फैसिलिटीज दिखलानी पड़ती थी, तो वहाँ तो कॉलेज का नाम ही कहीं नहीं था। तो उस सहयोग से यह हुआ कि ये कॉलेज अब इस यूनिवर्सिटी का कंस्टिट्यूएंट कॉलेज रहेगा। तो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में ये आवश्यकताएं नहीं पूरी करनी पड़ती। तो आप जानते हैं कि इस तरह का निर्णय थोड़ा सा मतलब खतरनाक भी हो सकता है, लेकिन निर्णय लिया गया और ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि अब उसका नाम शायद राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया। लेकिन बाधा का जब नाम आता है तो एक बार फिर वो ध्यान तो आ ही जाता है कि जो एक गरीब समाज समझ में आई वो ये है कि ज्यादातर इस तरह के कार्यक्रम दो दिन में समाप्त हो जाते हैं, इसकी आवश्यकता हो जाती है। उसके बाद वो खत्म हुई, उसके बाद ऐसा हुआ कि हम वायरलेस से कम्युनिकेशन करने के लिए एक बहुत बड़ा जंप हो गया। तो वायरलेस से टेलीफोनी शुरू हो गई, उसके बाद ऐसा हुआ कि साहब हम आपसे बात करते रहे उस हालत में जब आप घूमते रहे और हम घूमते रहे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप जानते हो कि सारी दुनिया एक तरह के बड़े बड़े इनोवेशन हुए, लड़ाई के बारे में भी आप जानते होंगे कैसे पहले लड़ाइयां होती थी हाथी पर घोड़े पर, फिर ये आया वो आया, फिर इतिहास उसके पीछे आप जानते हैं कि पूरा भूगोल जो विकास हुआ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का उसमें वो थोड़ा हल्के से पीछे से रह गए, ऐसा मेरा मानना है आप लोगों की बातें सुन करके कि हमारा बाधा जो इलाका है इस तरह का तो हम नहीं लगता है जीवन में। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका समिट है
और जिस गंभीरता से इसको लिया गया है, मैंने देखी है इनोवेशन पर, और मान लीजिए इस चीज को कि मैं प्रोफेसर हूं, मैं रिसर्च भी करता हूं इनोवेशन पर और सब कुछ करता हूं, इसकी कुछ खास खूबियां मेरे को समझ में आई हैं, वो आपसे मैं शेयर करना। समस्या है जो स्वास्थ्य की संबंधी शिक्षा है, भले ही आपने बांदा जिले को केंद्रित, और ऐसे में इस स्थान पर अगर लखनऊ में वही करने की बात है कि इस तरह का नेतृत्व आप लोगों को सभी लोगों को प्राप्त हुआ है। एक जो यहाँ पर एक और अवयव मिला देखने को वो ये मेरे ख्याल से इस समिट की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि आगे से चाहे ये विषय हो चाहे दूसरा विषय हो या इसी का ही अगर पुनरावृत्ति करनी हो तो ये हम कर सकते हैं। बाजार मेरे जीवन में इस तरह का स्थान और इतनी बड़ी परिधि में देखने का यही मिला। और एक दो चीज खास और क्या आपने कहा सांस्कृतिक कार्यक्रम से बहुत ज्यादा मतलब न रहा हो, लेकिन तभी भी जैसे इतने सारे कलाकार 500 कलाकार जी साहब ने बताया कि लोग जो जुड़े हुए हैं इससे, तो जो जोड़ने का जो काम हुआ इतने सारे तरह इतने इस तरह के जो इनोवेशन और समिट बांदा में हो जैसे अगले साल या एक साल के अंतराल में, तो उससे क्या होगा कि जो कुछ समस्याओं का जो हल निकला है उसका एक पुनरावलोकन भी पता लग जाएगा, और थोड़ा सा लोगों के जहन में यह भी होता है कि 2018 और 2019 रखने सॉरी 2019 और 2020 या 2021 जो आए हैं उनकी एक मॉनिटरिंग भी अगर थोड़ी थोड़ी हो। वाली चीज जो समझ में आ रही है वो ये है जिसमें आज आप बैठे हुए हैं और तरह तरह के लोग, और हमारे ख्याल से हर एक आदमी का जिन्हें कहना चाहिए फूड स्टॉल या कुछ ना कुछ नॉलेज स्टॉल सभी के लिए लगा हुआ है यहाँ पर, और बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं, और जितना भी आप ज्ञान लेना चाहें इलेक्ट्रॉनिक्स में, कम्युनिकेशन में, खाद में, बीज में, पानी में, किसी भी तरह का, तो हमारे ख्याल से सबके लिए ये मौका मिला आप लोगों के बीच में आने का। और इस हाल में इतना अच्छा हाल लगा कैपेसिटी आपकी भी लगभग उतनी लग रही है आपको, तो आपका ज्यादा अच्छा है क्योंकि बीच में कमरे नहीं है हमारे यहाँ कमरा तो इनको इस अभियान को और उस स्तर पर जिसकी कोई सीमा नहीं। धन्यवाद सर, आपने अपने अमूल्य विचारों से हम लोगों को लाभान्वित किया, और यहाँ पे सबसे बड़ी शिकायत यही रही है हमेशा कि विकास नहीं हुआ है। अब विकास की जो गंगा वही होगा जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में यूं तो कागज के फूलों में भी खुशबू होती है, देखना यह है सर 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 अब आप आपको आगे खड़े हो ये जी आपको आगे खड़े हो अरे खिच खिच करते थे दूर वाला काम है ये सब पार्टी स्मृति जी आदरणीय मुख्यमंत्री जी हो जिसके बारे में जीवन में आपका पूरा नेटवर्क संगीत के लिए रहा है, इसके लिए हम सभी लोग आपके अनुरोध करूंगा राजेश राम जी को श्री राजेश राम जी